इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि यार पाकिस्तानी लोगों को बाहर मुल्क क्यों आना चाहिए और ये पाकिस्तानी कौम क्यों बेस्ट कौम है बाहर आने के लिए, उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको अभी। ऑल राइट भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी अभी रिसेंटली एक वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ बैठा हूँ जिसका नाम था कि किन किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है। मैं उसके लिंक कहीं डाल दूंगा तो आप लोग देख लें। फिलहाल इस वीडियो का टॉपिक ये है कि भाई के पाकिस्तानीज क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट लोग हैं जिनको अब्रॉड आना चाहिए और स्टडी करनी चाहिए, की वजह क्या है मैं ज़रा बताता हूँ। देखिए भाई, अब्रॉड आप लोग आते हैं ना, तो अब्रॉड आके आपने क्या क्या काम करने पड़ते हैं। आपने आके यहाँ पर आके अपना खाना बनाना खुद पड़ता है, आप खुद आएंगे, खुद पढ़ाई भी करेंगे लेकिन आपने खाना बनाना है। अच्छा, अब्रॉड में आपने अपने कपड़े भी खुद धोने हैं, उसके अलावा जो ना आप सफाई सारी खुद करनी है आपने अपने कमरे की, अपने रूम की, और अगर आप शेयरिंग में रहते तो आपने अपने वॉशरूम भी साफ़ करने पड़ते हैं। भाई बारियाँ लगती हैं सबकी, सीधी बात तो ये है। तो जलालत की ज़िंदगी लोग समझते हैं कि ये वाली है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ज़रा इज़्ज़त वाली ज़िंदगी है और शराफत की ज़िंदगी है और मेहनत वाली ज़िंदगी है, क्योंकि इंसान इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। और जितने भी उनके दिमाग में फतूर होते हैं, बादशाह बन के आते होते हैं या चौधरी होते हैं या सरदार होते हैं या वडेरे होते हैं, वो सारा सीधा हो जाता है मामला, क्यों भाई यहाँ पर आपने सारे काम अपने खुद करने हैं। खुद ट्रैवलिंग भी करनी है, अगर आप बीमार होंगे अपना ख्याल भी आपने खुद रखना है, अगर आप उदास हैं तो अपने आपको आपने बकल अप भी खुद करना है, मोटिवेट भी खुद करना है, मंथली बजट भी आपने खुद संभालने हैं। तो ये अब्रॉड का मैं बोलता हूँ आर्मी ट्रेनिंग, क्योंकि जब आप कोई आर्मी में इंसान भर्ती होता है ना तो उसको सही से रगड़ा लगता है। अब उसका बैकग्राउंड कोई भी हो, चाहे वो खान हो, चाहे वो किसी भी ज़ात से हो, किसी भी रुतबे से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी ख़ानदान से हो, किसी भी इंसान का बेटा हो या बेटी हो, उन तमाम लोगों को एक ही जैसा रगड़ा लगता है, एक ही लेवल पर आ जाते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं और उन्हें भाईचारा बढ़ जाता है कि भाई सबको रगड़ा लग रहा है, सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं। तो अब्रॉड में भी जो है सबको एक जैसा रगड़ा लगता है, 2-3 महीने का ऐसा रगड़ा लगता है कि वो अपनी लेवल पर आ जाते हैं। अगर वो ख्वाब देख रहे होते हैं और उड़ रहे होते हैं, भाई क्या बात है, कहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ या मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, और अब तो मज़े ही मज़े भाई लाइफ में, मज़े ही मज़े आएंगे। वैसे मज़े नहीं मिलते शुरू में, शुरू में स्ट्रगल है। 2 से 3 महीने तो आपको तो अपने बारे में पता नहीं चलता भाई, वज़न भी गिरता है, रंग भी ख़राब होता है और डाइट भी जाले चले जाती है आपकी, मेंटल पीस भी ख़राब होता है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि नए लोग, नया कल्चर, घर से दूर इंसान, तो ये सारी परेशानियाँ भाई शुरू में आती हैं आपको और रगड़ा लगता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि यार पाकिस्तानी लोगों को बाहर मुल्क क्यों आना चाहिए और ये पाकिस्तानी कौम क्यों बेस्ट कौम है बाहर आने के लिए, उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको अभी। हाँ भाई, तो देखो मैंने अभी एंगल चेंज कर लिया, इसका मतलब है कि मैं पॉजिटिव बातें कर चुका हूँ। पिछली वाली जो क्लिप अभी जो देखा है आपने, उसमें मैंने कड़वी कड़वी बातें की हैं और सच्चाइयाँ बताई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम पाकिस्तानी कौम जो है वो क्यों बेस्ट हैं इधर आने के लिए, वो वजह ये कि देखें भाई, पाकिस्तान में जो है ना, आप बीमार होते हैं तो सरकारी अस्पताल में जाने का आप सोचते नहीं हैं, तो क्या करते हैं आप जाते हैं प्राइवेट अस्पताल में, उससे ख़र्चा कौन उठाता है, आप खुद उठाते हैं। तो आपकी जो सेहत है वो भी आपके हाथ में ही है, और अगर आप कमाएंगे तो आप अच्छी जगह पर इलाज करवा सकते हैं, तो यानी कि इसका ठेका आपने लिया हुआ है। दूसरी चीज़, अगर आपने पढ़ाई करनी है या पढ़ाना है, तो जितने भी लोग मुझे देखते हैं, अगर वो वालदैन हैं तो बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो मोस्टली कोशिश करते हैं कि भाई सरकारी स्कूल्स का कोई हाल नहीं है, तो वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट इदारों में पढ़ाएं। तो इसका मतलब ये कि जो आपकी तालीम की ज़िम्मेदारी वो भी आपने खुद ले रखी है, सही है, सेहत की ज़िम्मेदारी भी आपके अपने हाथ में और तालीम की ज़िम्मेदारी भी आपके अपने हाथ में। हमारे इख्तदार में लोग बैठे हुए हैं, हुक्मरान हैं, वो ना आपको सेहत देते हैं ना आपको तालीम देते हैं, ये वाली बात आपको पता है, और ये पिछले 50-60 साल से चल रही है और हिस्टोरिकली देखा जाए तो आगे भी कुछ चेंज होने लगा नहीं है। तीसरी चीज़ भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी सिक्योरिटी। अब आपको सिक्योरिटी के मामले में सारे बात पता है, मैं तो ज़बरदस्ती करके ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं इसके अंदर, लेकिन आपको ये वाली बात पता है कि भाई सिक्योर तो आप हैं भी नहीं किसी भी तरीके से, जब तक आप रेडार में नहीं तब तक आप सिक्योर में, जब रेडार में आ जाएंगे तो आप सिक्योर भी नहीं है। ख़ासतौर पर आप देखते रहते हैं आए दिन कराची वाले लोगों के साथ क्या हो रहा होता है, हर कराची के, आप तो अंदरून सिंध में भी और बाकी जितने भी इलाके हैं वहाँ पर भी बड़ी खबरें मिल रही होती हैं, आए दिन जो है ना वारदातें होती हैं, मोबाइल छिन जाते हैं, तो सिक्योरिटी आपके पास नहीं है। अगर सिक्योरिटी अगर होती किसी के सिक्योरिटी का नाम हो, तो जितनी भी शॉप्स हैं, बड़े बड़े जितने भी आउटलेट्स हैं, वो अपने शॉप के बाहर या अपने आउटलेट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड नहीं बिठाते भाई। तो इसका मतलब ये है कि अपनी सिक्योरिटी के इंतजाम भी आप खुद करते हैं, कैमराज लगाते हैं अपने पास, गार्ड बिठाते हैं और कुरानी आयात टांगते हैं बाहर के भाई, किसी भी तरह से ये लोग टल जाएँ, लेकिन टलते नहीं हैं, बस अल्लाह खैर ही करे। तो मामला दिए कि सिक्योरिटी भी आप खुद देखते हैं, अपनी एजुकेशन भी अपनी खुद देखते हैं, हेल्थ भी खुद देखते हैं आप लोग। इसके अलावा भाई, अगर आपके घर में ख़त्म हो जाए गैस, तो आप क्या करते हैं, आजकल तो सिलेंडर लगाना स्टार्ट कर दिए। मेरे घर में तो गैस आती ही नहीं है, सीधी बात है, उस घर में गैस का कनेक्शन ही नहीं है और आगे देगा भी नहीं, SSGC उन्होंने कह दिया है। तो मैं तो तकरीबन जब से नए घर में शिफ्ट हुए मेरे फैमिली वाले, तो वहाँ पे तकरीबन सिलेंडर चल रहा है, तो इसका मतलब ये कि मैं तो गैस भी ख़रीद के जो है वो इस्तेमाल करता हूँ,
और सरकार जो है वो गैस भी नहीं देती। तकरीबन जिनके घर में गैस आ रही है, रिश्तेदारों से बात होती रहती है, वो यही वाली बात कहते रहते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं कि भाई गैस आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, मतलब गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सर्दियों में तो बिल्कुल भी अब गैस नहीं आ रही, बिल्कुल लो फ्लेम पे आ रही होती है। तो लोग अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं कि खुद ही गैस खरीद खरीद के और अपनी ज़िंदगी आसान बना रहे हैं। आखिरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि बिजली। तो भाई देखो, बिजली भी नहीं आती पाकिस्तान में, सही है, सब लोगों को ये वाली बात पता है। चोरी भी हमारे लोग करते हैं, धड़ाधड़ करते हैं माशाल्लाह से, फिर कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन जहाँ चोरी नहीं भी होती वो बेचारे भी परेशान रहते हैं। और ओवरऑल तो पता है आपको, बिजली की लोड शेडिंग, तो जब से मैं होश संभाला है तो मैं ये अल्फाज तो सुन रहा हूँ, ये मेरी वोकेबुलरी का पार्ट बन गया, मेंटल वोकेबुलरी का पार्ट। तो बिजली भी नहीं आती तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं UPS, उसके बाद हम लेते हैं भाई जनरेटर, उससे भी काम नहीं चलता तो उसके बाद हम लेते हैं सोलर। तो हमारी आधी ज़िंदगी जो है ना वो कंपैरेटिव एनालिसिस में गुजर जाती है कि हमें सोलर लेना चाहिए या हमें UPS लेना चाहिए या हमें जनरेटर लेना चाहिए। तो बिजली के इंतजाम भी आप अपने खुद ही कर रहे हैं। ये सारी बातें कि जो पूरा कंपैरिजन करने का मकसद ये कि देखें, इटली में आके आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा, अपने कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, अपने रूम की सफाई खुद करनी पड़ेगी, अपने वॉशरूम खुद साफ़ करने पड़ेंगे, ठीक है जी, और बाकी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी अपने जो पर्सनल लेवल पर करनी पड़ती हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें ना वो यहाँ की हुकूमत ने संभाल के रखी हुई है भाई। यहाँ पर लाइट आती है, लोड शेडिंग नहीं जाती, गैस प्रॉपर आती है नहीं जाती, हुकूमत सेहत प्रोवाइड करती है, 150 यूरो का कार्ड बन जाता है आपका साल का, आराम से 150 यूरो यानी 40-50 हज़ार में आपकी सारी हेल्थ कवर है भाई। अच्छा, उसके अलावा आपकी सिक्योरिटी टाइट है क्योंकि कानून टाइट है, सही है जी। तो आपके पास कानून अवेलेबल है तो आपके पास सिक्योरिटी बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है, तो आपको ऐसा कोई परेशानी नहीं है। बाकी रह गई आपकी एजुकेशन, तो भाई वो यहाँ पर है ही फ्री, समझ रहे, पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता है, उल्टा पैसे वापस मिल जाते हैं, उल्टा ये पैसे दे देते हैं आपको। और हेल्थ आपकी कवर हो गई, एजुकेशन कवर हो गई, सिक्योरिटी मैंने बता दिया आपको। तो वो काम जो हुकूमत को करने चाहिए वो यहाँ पे वो कर लेते हैं, और जो काम इंसानों को करने चाहिए जो कि आप वैसे भी वहाँ पे कर रहे होते हैं वो काम आप यहाँ पर आके करेंगे और इंसान के बच्चे बन जाएंगे। तो ये पाकिस्तानी लोग जो हमारे इन तमाम चीज़ों से गुजरते हैं पाकिस्तान में, तो अगर वो अब्रॉड आएंगे और इटली में आके इस तरह की मेहनत करेंगे, मुशक्कत करेंगे, रगड़ा खाएंगे, परेशान होंगे, तो वो जो रगड़े परेशानियाँ और जो मुशक्कत करनी होती है वो कम से कम उस मुशक्कत तकलीफ और दिल जलाने से बेहतर है जो आप पाकिस्तान में करते हैं भाई, जो मैंने बताई है सारी आपको, जो आप पाकिस्तान में सारा इंतजाम खुद किए हैं। तो इसलिए बेहतर है कि भाई आप अब्रॉड मूव करना स्टार्ट करें, आपके हालात अच्छे हो जाएँ, माली हालात अच्छे हो जाएँ, वापसी पाकिस्तान चले जाएँ, फंडिंग लेके चले जाएँ पाकिस्तान, अपने कारोबार स्टार्ट कर लें पाकिस्तान में, अपनी प्रॉपर्टीज़ बना लें पाकिस्तान में। वक्त के साथ चीज़ें बनती हैं, ऐसा तो नहीं कि ओवरनाइट जो है सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये है कि आपके मामला आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाएंगे। फिर आपकी अपनी मर्ज़ी, आप आएँ या नहीं आएँ, कमाएं इधर ही कमाएं, पाकिस्तान में लगाएं, जो दिल करना है करें, लेकिन ये कि एटलीस्ट आप जब आपने करने सारे काम खुद ही हैं और आपके जो हल्का इकतदार में लोग बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं करते आपके लिए, तो भाई आप यहाँ आ जाओ जहाँ पे कम से कम जो हल्का इकतदार में लोग बैठे हैं वो कम से कम कुछ आपके लिए कर रहे हैं। आपको ये पता है कि भाई मैं घर पर जाऊँगा, लाइट मिलेगी मुझे, गैस मिलेगी मुझे, सिक्योरिटी मेरे लिए है, इंसाफ मुझे मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मेरी तालीम का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है भाई, और सबसे अच्छी बात भाई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है सारी की सारी। आपको पता है भाई मैं किसी वक्त किसी भी जगह पे किसी भी रात में खड़ा हुआ हूँगा तो पूरे यूरोप में 500 मीटर पे आपको एक ना एक ट्रांसपोर्टेशन मिल जाती है, या आपको बस मिल जाएगी, या आपको ट्राम मिल जाएगी, या आपको ट्रेन मिल जाएगी, या आपको मेट्रो मिल जाएगी, टैक्सी तो अवेलेबल होती होती है, उसके अलावा अपनी आप साइकिल भी ले सकते हो। तो सारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं 500 मीटर की दूरी पर, तो आधा किलोमीटर चलेंगे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, बस जहाज़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और हाँ, वीनिस जो शहर है उसमें आपको, क्योंकि वो पूरा शहर पानी के अंदर है, तो वहाँ आपको बोट्स मिल जाएंगी और फेरीज मिल जाएंगी चलने के लिए, तो वो फैसिलिटीज़ देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सारी अवेलेबल है। तो ये थोड़ी सी मतलब मेरी एक मोटिवेशनल वीडियो समझ लें या रियलिटी चेक समझ लें कि हमारी कौम के जो लोग हैं वो क्यों ज़बरदस्त लोग हैं, क्यों वो इस तरह बन चुके हैं, क्यों इस तरह से मतलब बेस्ट स्पीशी हैं, बेस्ट ब्रीड है जो अब्रॉड आके जो ना सस्टेन कर जाएगी। क्योंकि भाई जब पाकिस्तान में सस्टेन कर रहे हो ना तो यहाँ के जो रगड़े ना वो आपके लिए माइनर लेवल के हैं, मतलब वो जो वहाँ के रगड़े हैं वो अल्ट्रा प्रो मैक्स हैं और यहाँ के रगड़े जो हैं वो आपके लाइट हैं, लाइट अल्ट्रा लाइट हैं। तो अल्ट्रा लाइट रगड़े खा लो भाई और अल्ट्रा प्रो मैक्स रगड़ों से बच जाओ। और इस तमाम इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, मोटिवेशन ले लो। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करते, अपना ख्याल रखो।